सदर आसिफ अली सरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदारत और मुसल्ला फौज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सदर को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतजलजल अजम का इदा। फौज के खिलाफ मखसूस सियासी जमात के बयान पर इजहार तशवीश। कहा रखना डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकई सालमियत के तहफ़ में फौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। जजेस को धमकी आमेज खतूत का सिलसिला जारी। मामला तूल पकड़कर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। चीफ जस्टिस काजी फैसला को भी धमकी आमेज खत मौसूल। जस्टिस अथरमिनुल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम भी खत भेजा गया। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल और जस्टिस शाहिद वहीद को भी खत मिल गया। चार जजेस को धमकी आमेज खत इस्लामाबाद। जस्टिस शाहिद वहीद को खत लाहौर रजिस्ट्री में मौसूल हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के दो जजेस को भी खत मौसूल हो गए। मशकूक खतूत का केमिकल मुआयने के लिए भिजवा दिया। 3-4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। DIG ऑपरेशंस शहजाद बुखारी की इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेशी। बताया खतूत पर स्टैम्प मदम है मगर रावलपिंडी की स्टैम्प पढ़ी जा रही है। SSP CTD हुमायूं हमजा ने कहा बजाहिर रावलपिंडी GPO लग रहा है मगर GPO में पोस्ट नहीं हुआ, किसी लेटर बॉक्स में डाला गया है। क्रॉप इंक्वायरी चीजें डिगिंग डीप वो क्लियर हो जाए तो आपको जरूर बताएंगे। चार धमकी आमेज मशकूक खत सामने आए। मजीद खतूत के लिए तमाम अदालतों में जाकर छानबीन की जा रही है। DIG लाहौर अली नासिर रिजवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तफ्तीश शेयर नहीं की जा सकती, जो तफ्तीश होगी सरकारी तौर पर बताया जाएगा। CCPO लाहौर ने कहा कि अदालती मामला है, जजेस को मुकम्मल आगाह करेंगे। मैं किसी के दबाव में नहीं आता, अदलिया पर हमला हुआ तो सबसे पहले आगे आऊँगा। मामले पर जीरो टॉलरेंस होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का खुद से मुतालिक अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मामले पर फुल कोर्ट की तश्कील कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा खुद को पूरी संजीदगी से ले रहे हैं। हमेशा कहता हूँ हर इदारे को अपनी हदूद में काम करना चाहिए। एक तरफ सदर साहब बैठे हैं और दूसरी जानब हुकूमत। सबकी इज्जत करते हैं, चाहते हैं वो भी हमारी इज्जत करें। कोई गलत काम करेगा तो फौरन पकड़ लेंगे। वफाकी हुकूमत जजेस को खत के मामले में हर मुमकिन तआवुन करेगी। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी। कहा कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासर हो। बताया जैसे रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने तहकीकती कमीशन की सरबराही से माजरत की। अटॉर्नी जनरल ने खत अदालत में पढ़कर सुनाया। फ्रांस के साथ दोस्ताना खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। दोनों मुमालिक ताल्लुकात में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सफीर निकोलस केली से मुलाकात में गुफ्तगू। सफीर ने फ्रांसीसी वज़ीर आज़म की जानिब से शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खत पेश किया। वज़ीर आज़म का तहनीती पैगाम पर फ्रांस की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। पांच वफाकी उज़रा को इजाफी कलमदान मिल गए। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को मवासलात का इजाफी चार्ज। चौधरी सालिक हुसैन को मजहबी उमूर की जिम्मेदारी दे दी गई। वज़ीर सनत दानत तनवीर वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक भी संभालेंगे। बैन सूबाई राबते का कलमदान वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के सुपुर्द। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को आबी वसाइल का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। मुल्क में एक्स की बंदिश। वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया। चीफ जस्टिस से मुकालमा किया। कोई लिखत पढ़त भी है तो बताएं ये कौन सा तरीका है, ये क्या रवैया है। हर चीज़ जाम की हुई है, सब कुछ बंद किया हुआ है। जबानी नहीं हर चीज़ लिख कर दें कि सिक्योरिटी थ्रेट क्या है। PIA के वाजिबात और कर्जों का बोझ होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। भारी भरकम बैलेंस शीट क्लियर कर दी गई। एयरलाइन से नादहिंदगी का बोझ हटाकर शेयर फरोख किए जाएंगे। तमाम कर्ज अब होल्डिंग कंपनी के जिम्मेदार होंगे। बैलेंस शीट क्लियर करके सरमायाकारी का रास्ता खोल दिया गया।
20 मुल्कों के 170 फ्लाइट रूट जल्द सरमाकारों को पेश किए जाएंगे। यूरोप के लिए भी रूट खुल सकेंगे। सड़कों और बाजारों में कूड़ा करकट नहीं नजर आना चाहिए। मरीम नवाज के मुतालिका हुकाम को तंबी। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज का जायजा। सिस्टम के डिजिटल मॉनिटरिंग के निजाम नाफिज करने की मंजूरी। मरीम नवाज ने हिदायत की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियों को भी साफ सुथरा रखा जाए। सफाई के अहकाम पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो चूड़ियों के बगैर अधूरी है। ईद हो और हम चूड़ियाँ ना लें, ऐसा तो हरगिज नहीं होता। तो ज़्यादा बच्चों की शॉपिंग ही होती है ईद पे, और वैसे भी टेलर्स की वजह से जल्दी लेना पड़ता है, इसलिए अभी चांद रात तक वेट नहीं करते हम लोग। मैं अभी अपना लेने आई हूँ सूट और ज्वेलरी वगैरह, जूते वगैरह ले लिए हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी हम वो खरीदने आए हैं। यहाँ बहुत बड़ा स्टॉल लगा, हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। शूज़ भी लिए, कपड़े लिए हमने, पोनियाँ कैचे लिए। ईद से कबल फाइनल काउंटडाउन। माह मुबारक के आखिरी हफ्ते में लोग खरीदारी के लिए निकल पड़े। बाजारों में रातें जागने लगी। खवातीन को जरपर्क लिबास, मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल की तलाश। बच्चों की फरमाइशों की लिस्ट भी बन गई। हर चीज चाहिए अपनी पसंद की। महंगाई के बाईस अवाम को खरीदारी में दुश्वारी। कराची में ईद करीब आते ही बत्तखोर माफिया सरगर्म। सईदाबाद में दूध फरोश साबिर खसूरी को धमकी आमेज पर्ची मौसूल। 5 लाख भत्ता मांग लिया। बत्तखोर कबाड़ी मार्केट में दुकान पर पर्ची फेंककर फरार। दूध फरोश ने पुलिस और रेंजर्स को इत्तला कर दी। अहलकारों का दुकान का दौरा। दुकानदार को कानूनी कार्रवाई के लिए बुलाया। कल्लाह के करीब कौमी शाहरा पर कोच ने कार को रौंद डाला। दो बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। कार सवार खानदान कराची से पश्चिम ईद मनाने जा रहा था। पनेचा के मुकाम पर कोयटा से कराची जाने वाली तेज रफ्तार कार कोच की जद में आ गई। टोबा टेक सिंह कत्ल केस के मुलजमान की अदालत पेशी। इलाका मजिस्ट्रेट ने मकतूला मारिया के भाई फैसल और बाप अब्दुल सत्तार को मजीद 6 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजमान को 4 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर तीसरी बार अदालत में पेश किया। जामपुर में डकैती मुजाहमत पर नौजवान कत्ल। मोहम्मद अकरम को नमाज के लिए जाते हुए डाकू ने रोका, मुजाहमत पर गोली मार दी। मकतूल के वर्सा अहले इलाका सराप एहतजाज। लाश इंडस हाईवे राशनपुर रोड पर रखकर धरना। ट्रैफिक ब्लॉक, सियासी शख्सियात और पुलिस की कातलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहरीन मुंतशिर हो गए। सात अशारिया 5 शिद्दत के जलजले ने ताइवान को झंझोर दिया। हलाकतों की तादाद 7 हो गई। 736 अफराद जख्मी। सैकड़ों इमारतें मुतासर। 26 जमीन बोझ। मुतादिद अफराद इमारतों में फंसे हुए हैं। ताइपे की कई इलाके बिजली से महरूम। हुकाम ने सुनामी वार्निंग जारी करने के बाद वापस ले ली। झटके चीनी सूबे फौजियान और जापान में भी महसूस किए गए। जापान में कई परवाजों का रुख मुतासर इलाकों से मोड़ दिया गया। इसराइली फौज के गजा पर वेश्याना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 102 जख्मी। सहूनी फोर्सेस ने रफा और गजा शहर पर फिर आग बरसा दी। शहदा की मजमू तादाद 32,916 से बढ़ गई। वस्ती गजा में अलकसाम ब्रिगेड ने लड़ाई में एक इसराइली फौजी मार गिराया, 4 अहलकार जख्मी। नई दिल्ली में मुसाफिरों से खचाखच भरी ट्रेन के वॉशरूम तक जाने के लिए बंदा स्पाइडरमैन बन गया। नौजवान बर्थ से बर्थ और छत से होता हुआ वॉशरूम तक गया और फिर उसी तरीके से वापस अपनी जगह आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दौरा पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड की 15 रुकनी टीम का ऐलान। अहम खिलाड़ी आईपीएल में मसरूफ। पहली बार माइकल ब्रेसवेल टीम की क्यादत करेंगे। फिन एलन, मार्क चैपमैन और जोश क्लैक्सन स्क्वाड में शामिल। जिमी नेशन, टिम साइफर्ट, एसओडी भी हिस्सा होंगे। केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, डेविड कॉर्नवे समेत 9 खिलाड़ी आईपीएल में मसरूफ। विलियन काउंटी, टॉम लेथम घरेलू मसरूफियात की वजह से दस्तयाब नहीं होंगे। टिम साउथी को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया।
सादिकाबाद की नन्ही बच्ची की शानदार बैटिंग, सोशल मीडिया पर धूम मच गई। नन्ही सोनिया बाबर आजम की फैन है, पढ़ाई के बाद वालिद के साथ रोजाना क्रिकेट खेलती है। आतिफ असलम ने नया रूपरवर कलाम रिलीज कर दिया। नात मैं सदके या रसूलल्लाह यूट्यूब पर रिलीज आतिफ असलम का कहना है कि कलाम का ताल्लुक बराह रास्त उनके दिल से है। बरतानिया में मौसम बहार की आमद पर गुले लाला की नुमाइश, 100 से जायद अकसाम के 5 लाख फूलों ने पार्क सजा दिया। सयाह रंगों खुशबुओं में खो गए। खुशबुएं बिखेरती नुमाइश 6 मई तक जारी रहेगी। और पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक की बानी सुरीली आवाज की मालिक नाजिया हसन, जो गाया कमाल गाया। नाजिया हसन ने 15 साल की उम्र से गाने का आगाज किया। भाई जोहेब हसन के साथ मिलकर डिस्को और पॉप गाने मुतारिफ कराए। मद्दा 59 पीओ में पैदाइश पर इन्हें याद कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।